हाय गाइस, वेलकम टू सिने स्पीक्स। मेरा नाम है ऐश्वर्या और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करण मेहरा की एक कहानी झलक, उनके जर्नी की, सुपरस्टार बनने की। तो जो करण मेहरा है वो उनका जन्म हुआ था जलंधर पंजाब में और उसके बाद वो दिल्ली गए। वहाँ पे उन्होंने जो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है वो किया और इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, और उसके बाद वो मुंबई पहुंचे। उनके सपने थे मुंबई में कुछ बड़ा करने के, और वहाँ उनकी मुलाकात होती है राजकुमार हिरानी, पॉपुलर डायरेक्टर के साथ, और वो उन्हें नसीहत देते हैं कि वो क्यों ना फिल्म्स या टीवी में ट्राई करें, क्योंकि उनको किस तरह से लगा होगा कि इनके अंदर वो बात है। तो करण जो है वो बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं, वो डांसिंग सीखते हैं और उनके साथ असिस्टेंट के रूप में फिल्म्स में ये सब में घुस जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ राम गोपाल वर्मा के साथ भी इन्होंने असिस्टेंट का काम किया है फिल्मों में। इसके बाद जो है इनकी जो करियर है टीवी की वो शुरू होती है, और टीवी की इनका 2009 में स्टार प्लस में सीरियल आता है जिसमें इनका बहुत ही पॉपुलर शो जो है स्टार प्लस का, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये आती है। और जो नैतिक है उनका कैरेक्टर इतना अच्छा लगता है लोगों को जो करण निभाते हैं कि लोग आज तक भी उस कैरेक्टर को याद रखते हैं। उन्हें एक आदर्श बेटे का रोल निभाते हुए लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल से वो स्क्रीन स्पेस को कायम रखा। अब इसके बाद जो है करण जो है वो हमें 7 साल इसी सीरियल में दिखे, और फिर ये जो शो है वो चला गया, और फिर हमें दिखा कि किस तरह ये आ रहे हैं बिग बॉस में, फिर आगे नच बलिए में तो अपनी वाइफ, अपनी पत्नी के साथ थे, निशा के साथ। अब निशा के साथ जो इनकी मुलाकात हुई थी एक फिल्म के सेट पर हंसते हंसते, जिस वक्त ये डिज़ाइनर हुआ करते थे, और फिर उसके बाद बातचीत होते होते बहुत साल अच्छी फ्रेंडशिप रखते हुए इनकी शादी होती है, और फिर इनका एक बच्चा है वो अब 4 साल का है। तो ये थी कहानी अभी तक की, और इसके बाद हम सुनने को आया है कि रीसेंट न्यूज़ में कि इन दोनों के बीच मनमुटाव हुए हैं, काफ़ी सारी बातें हुई हैं निशा और करण के बीच। तो अब ये सोच रहे हैं कि ये अलग हो जाए, और फिर ये अलग होने का सोच रहे हैं, और काफ़ी हद तक हो भी चुके हैं। तो ये है अब तक की करण का सफ़र, और आपको क्या लगता है कि करण जो है उनका ये सफ़र कैसा रहा होगा, किस तरह से आप क्या उनसे इंस्पायर्ड थे, क्या वो रोल आज भी आपको याद है नैतिक का, तो आपने कमेंट्स आप डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।